ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर 30,000 रोहिंग्या आए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। सोमवार की शाम अपने प्रत्याशी का प्रचार करते हुए उन्होंने तेजस्वी सूर्या के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें तेजस्वी ने उन पर रोहिंग्या मुसलमानों को हैदराबाद में जगह देने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर 30,000 रोहिंग्या मुस्लिम यहां के वोटर बन गए तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि अमित शाह सो रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें कि 30 से 40,000 रोहिंग्या कैसे रजिस्टर्ड हो गए? अगर वाकई बीजेपी ईमानदार है तो मंगलवार की शाम तक मुझे 1,000 ऐसे नाम बता दे। सोमवार को पार्टी का प्रचार करने हैदराबाद पहुंचे बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि ओवैसी को दिया गया हर एक वोट भारत के खिलाफ है और इन लोगों को विकास की जगह रोहिंग्या मुसलमान पसंद है। अब ओवैसी ने सूर्या के इसी बयान का जवाब देते हुए अमित शाह को लगभग एक खुला चैलेंज दे दिया है।